Hello everybody, welcome back to Lux Tutorial. So if you guys are watching me for first time, then please press the subscribe button and hit the bell icon. So you will always get notified whenever I post a new video. तो आपको subscribe वाला बटन है उसे ज़रूर दबाते हुए जाना है और घंटी वाला आइकन ज़रूर बजाना है ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी टॉप इजीएस्ट 5 हेयर स्टाइल्स जो कि आप खुद से अपने बालों में इजीली और नॉर्मली कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो विदाउट वेस्ट तो स्टार्ट करते हैं पहली हेयर स्टाइल से। यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है और डिटेंगल करने के बाद आपको कर लेना है एक सेंटर पार्टीशन। सेंटर पार्टीशन करने के बाद अगर आपके फ्लिक्स या बेबी हेयर्स हैं तो आप उनको बाहर निकाल लीजिए ताकि आप बहुत ज़्यादा फिटी लगें। और बालों को बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक साइड में कर लेना है। फिर आपको लेने हैं अपने आगे से थोड़े से बाल, इतने बाल लेने हैं जिससे कि नॉर्मली एक मीडियम पतली सी आपके ब्रेड बन जाए। तो अब देखिए इस तरीके से मैं ब्रेड बना रही हूँ। आपको सिंपल रेगुलर ब्रेड जो करते हैं उस तरीके से अपनी ब्रेड बना लेनी है। ब्रेड बनाने के बाद हम उसको रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे और साइड में कर लेंगे। और फिर इसी तरीके से उसी के जस्ट पीछे हम एक और ब्रेड बनाएंगे। यहाँ भी आपको नॉर्मल सिंगल जो रेगुलर ब्रेड होती है वही बनानी है। ब्रेड बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल टिक टैक पिन से दोनों ब्रेड्स को सिक्योर कर लेना है। फिर आपको अपने सारे बालों को एक तरफ कर लेना है और नॉर्मली दो पार्टीशन करके उन्हें ट्विस्ट करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं करना है। आप अपने बालों की एंड लेंथ तक पूरा ऐसे ही ट्विस्ट कर लेंगे। अब बन बनाने के बाद आप अपने बन को जूड़ा पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी फर्स्ट हेयर स्टाइल बन चुकी है और ये बहुत ही प्रिटी लग रही है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड हेयर स्टाइल। इसमें आपको क्या करना है, आपको साइड का पार्टीशन रखना है और अपने सारे बालों को एक तरफ कर लेना है। फिर इस तरीके से थोड़े से बालों का पार्टीशन लेना है ऊपर से और उसे ट्विस्ट करना है। फिर उसके नीचे से जस्ट सेकंड सेक्शन बनाना है और उसको उसी के साथ ट्विस्ट कर लेना है। आपको एंटायर ईयर तक इसी तरीके से पूरा ट्विस्ट कर लेना है आराम से। अब आपको एंड तक एंटायर लेंथ तक अपना पूरा इसे ट्विस्ट करते हुए ले जाना है और आपको नॉर्मली इसे टाइटली ही ट्विस्ट करना है ताकि ये लूज ना हो। और इसको ट्विस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे रबर बैंड से अच्छे से सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के बाद आप सिंपल नॉर्मल जो ब्रेड होती है रेगुलर, उस ब्रेड की तरह एक ब्रेड बना लेंगे। आपको थोड़ी लूज बनानी है ताकि जो आपकी ब्रेड है वो वॉल्यूमिनस लगे और आपकी हेयर स्टाइल बहुत सारा प्रिटी दिखाई दे। ये देखिए मेरी हेयर स्टाइल बन चुकी है और आप देख सकते हैं ये कितनी वॉल्यूमिनस ब्रेड लग रही है और कितनी प्रिटी हेयर स्टाइल है। अब बात करते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की। तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मली सेंटर पार्टीशन करना है और अपनी फ्लिक्स को बाहर निकाल लेना और एक सेक्शन लेना है आगे से, इसको ट्विस्ट करके एक टिक टैक पिन से सिक्योर कर लेना है। और सेम आपको दूसरे पार्टीशन में भी यही प्रोसेस करना है। और ये मेरी सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल है, इसमें सिर्फ आपको 30 सेकेंड्स लगते हैं इसे बनाने में एंड दिस वन इज़ रियली प्रिटी एंड गुड। Love me, Matthew.
अब बात करते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने थर्ड में हेयर स्टाइल बनाई थी उसे ही रहने देना है, और बस उसके साथ आपको रेगुलर ब्रेड कर लेनी है। पर याद रखिए, आपको जो ब्रेड है वो थोड़ी सी लूज़ करनी है, ताकि आपकी जो ब्रेड है वो वॉल्यूमिनस और प्रिटी दिखाई दे। और इस तरीके से आप अपनी नॉर्मल ब्रेड बना लेंगे और इसे रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, ये स्टाइल कितनी प्रिटी और एथिस्टिक लग रही है। अब बात करते हैं हम फिफ्थ हेयर स्टाइल की। इसमें क्या करना है, आपको सेंटर पार्टीशन करके एक लो पोनी टेल की तरह अपने बालों को पकड़ लेना है और पूरे बालों को ट्विस्ट करते हुए जाना है। ट्विस्ट करने के बाद आपको इसे ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है और गैप में से जो बचे हुए बाल हैं उनको निकाल लेना है, और आपका बन गया है ये लो बन। ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये बहुत ज़्यादा। इस बन को सिक्योर करने के लिए आप बॉबी पिन या फिर जूड़ा पिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ।